तो हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से। तो वेलकम है आपका सम्मी का भी न्यू ब्लॉग में, मेरे स्टाइल में, सम्मी के स्टाइल में। और ये देखो पापड़, मैं बताती हूँ आपको पापड़ के बारे में। ओके, तो ये पापड़ जो है तो यहाँ की औरतें लोग बनाती है और धूप में सुखाती है। तो हम लोग अपन जिसको जो ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग लेते हैं थोड़ा उनसे पापड़। तो मैंने पापड़ बाय किया है उन लोगों से और इसे थोड़ा धूप में दी थी सूखने के लिए, क्योंकि उन लोगों ने कहा थोड़ा भाभी कच्चा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं सुखा लूँगी। तो ये पापड़ मैं सूखने दी थी और मेरा मॉर्निंग बहुत सुबह हो चुका है, अभी घड़ी में बजे 12:15। तो इसलिए मेरा मॉर्निंग बहुत सुबह ही हो चुका है और मैं नाश्ता पानी भी कर चुकी हूँ। और नाश्ता में मैं खाई हूँ अंडा पाव। तो मैं रोज़ रोज़ क्या दिखाऊँ, तो इसलिए मैं नहीं दिखाई, मैं कुछ काम भी ज़्यादा था इसलिए। तो कबीर का कॉल आया है कि मैं आ रहा हूँ, तुम कुछ लंच तैयारी कर लो। तो लंच क्या तैयारी करूँ, कल मैंने बनाया था चना का दाल और चिकन, तो वो बचा पड़ा था टिफिन में। मैं दिखाती हूँ आपको, तो मैं अभी फ्रिज से उसे निकालूंगी। देखो ये बर्फ़ जम गया था ना, थोड़ा ठंडी का टाइम, थोड़ा ठंडी मौसम है तो जल्दी ही जम गया था। तो मैंने निकाला इसे गर्म करने के लिए, तो इसे मैं उबाल लूँगी। ये देख सकते हो आप लोग, चिकन दाल है, चने का दाल और चिकन। और मैं चावल चढ़ाई वहाँ, और यहाँ मैं पापड़ सूखने के लिए दी थी। काम मेरा ज़्यादा है तो आज मैं ज़्यादा कुछ सूख सुबह नहीं की, मैं काम पे ही उलझी हुई थी, अकेली हूँ। कोई और होता तो चलो भाई कर लेते, लेकिन नहीं, मुझे ही काम करना था ज़्यादा। और ये देखो मैंने भरपूर अपने बालों में, जिस तरह से विंटर स्टार्ट हो चुका है तो काफ़ी ड्राइनेस हो रही थी हेयर में मेरा, तो मैंने इसमें चिपक करके बहुत सारा ज़्यादा बाल में अपना ऑयल डाल दिया और मसाज किया मॉर्निंग में। सर दुख रहा था, भारी भारी लग रहा था। नहा धोकर उठी थी तो 11 बजे मैंने सर में चंपी की अपना तेल से, ऑयल से। उसके बाद सारे काम में लग गई, ये सब भी काम होते ही है गाइस। तो ये देखो सूख गया, बिल्कुल कड़क हो गया है। अब ये खाने के लिए तैयार है। तो मैं पापड़ को सुखा दी हूँ धूप में, अब इसे जा रही हूँ डब्बा में स्टोर करने के लिए। अब मैं वहाँ भात चढ़ाई हूँ, चावल चढ़ाई हूँ और चिकन निकाल चुकी हूँ। तो जब तक आने में उनका 15-20 मिनट लग जाएगा, अभी नहीं आए वो, तो आधा घंटा लग सकता है। तब तक मैंने सोचा चलो मैं तैयारी कर लेती हूँ। चावल चढ़ा दी हूँ, सालन गर्म कर लूँगी। दिन में तो कुछ नहीं बनाऊंगी, वैसे भी मैं बहुत कम ही बनाती हूँ दिन में खाना। तो इंशाल्लाह अगर रात में कुछ बनाऊंगी तो बताऊंगी, दिखाऊंगी। फिर आगे का क्या रूटीन है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी तो हमारा मॉर्निंग हुआ है 12:15। मॉर्निंग तो बहुत पहले हो चुका है, लेकिन हमने वीडियो अभी ऑन किए हैं 12:00। तो कोई नहीं गाइस, चलो आगे का रूटीन क्या होता है देखते हैं और दिखाते हैं। तब तक के लिए वेलकम है आपका सम्मी के ब्लॉग में। देखिए मेरा चावल मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखो मेरा चावल बिल्कुल बन चुका है, आप देख सकते हो। चलो अच्छी बात है, चावल हो गया हमारा। अब मैं जा रही हूँ चिकन और दाल को थोड़ा गर्म कर लेती हूँ, उसे उबाल लेती हूँ। लंच मेरा रेडी, अब मैं लंच रेडी करके नमाज पढ़ने जा रही हूँ। तब तक कबीर आ जाएंगे तो दोनों जन मिलकर खा लेंगे। तो गाइस ये देखो मेरा चिकन दाल गोश्त मैं यहाँ पे गरम कर रही हूँ, कबीर आ चुके खाने के लिए। और यहाँ मैं थोड़ा कढ़ाई में पापड़ फ्राई कर ले रही हूँ, मैंने सोचा चलो थोड़ा पापड़ भी फ्राई कर लेते हैं। मेरी पापड़ भी फ्राई हो गई है, ऑलमोस्ट सब हो चुका है, अब खाना निकालते हैं। आप देख सकते हो चने का दाल गोश्त चिकन हमारा, और ये रहा पापड़। तो ये देखिए हमारा खाना पीना हो रहा है स्टार्ट, कबीर आ चुके हैं महाराज जी। और ये पापड़ में टूट पड़े हैं, और ये है रहा हमारा आज का लंच। तो मैंने सालन तो नहीं बनाया, सालन तो मेरा बना हुआ था कल का चिकन, तो चलो कोई नहीं, तो इसी चिकन को आज भी हम इंजॉय कर लेते हैं गाइस। चलिए आप भी शुरू हो जाइए, अब मैं भी ले लेती हूँ।
तो आइए गाइज, आप लोग भी हमारे साथ में लंच कर लें। आइए तो मिलते हैं खाने के बाद। तो गाइज यहाँ मैं चढ़ाई हूँ लाल भाजी और ये है मेरा दाल जिसे मैं हमेशा सोख कर लेती हूँ, सोख करके ही बनाती हूँ। तो ये दाल है, भाजी हो जाए तो दाल चढ़ाऊँगी। आज कुछ ज़्यादा खास नहीं, बस सिंपल दाल चावल लाल साग आलू की भाजी। तो मैंने इसमें सब कुछ डाल दिया है, टमाटर आलू हो गया। अब इसे एक से दो सीटी लगा लेती ताकि जल्द से जल्द गल जाए, तो फिर मैं इसमें दाल चढ़ाऊँ। तो गाइस अभी मैं नीचे गई थी किराना दुकान से सामान लेकर आई हूँ और इस बिल्ली का देखो नखरा, मैं आई तो मेरे को देख रही, इसका नखरा दिखाती हूँ आपको, देखो बैक कैमरा। ओके तो गाइस ये देखो, अभी तो किचन के पास नखरे दिखला रही थी, हैं खाना दे आई हूँ, सारा खा चुकी, एक पीस छोड़ दिए हैं, मटन का चर्बी एक पीस छोड़ दिए, खा पी के देखो यहाँ अंगड़ाई ले रही, मुंह साफ करी, दिखा रही है गाइज आप लोग को मैं कितना खा चुकी हूँ। मीनू की बच्ची परेशान मत कर मेरे को, ये मेरी जासूसी करने आई कि क्या क्या मैं लाई हूँ, इसकी ऑनर ने क्या क्या लाया देखो मैं दिखाती हूँ गाइज। तो ये है मेरा दूध पैकेट लाई हूँ और ये सॉप ये ख़त्म हो चुका था, मैं जब भी लेती हूँ तो एक साथ बहुत सारा ले लेती हूँ, एक दो पीस मैं नहीं लेती बार बार, नीचे किराना दुकान है। और मैं ये दो चार पाँच पाँच पीस खस्ता खारी जो भी आप बोल सकते हो वो ली हूँ, दूध ली हूँ, सॉप ली हूँ और इसको खाना भी देकर मैं गई थी। अब मैं जा रही हूँ अपने लिए चाय बनाने के लिए वास्ते, और शायद इसे दूध पीना है, इसे थोड़ा दूध भी दे दूँगी, जबकि मैं इसे खाना दे कर गई हूँ, ये मेरे पीछे पीछे आई मेरी जासूसी करने के लिए मेरे घर तक। मीनू के बेटे जा तू खा वहाँ पे, तू जा खा, मैं तेरे को मारूंगी, जा, डरतीच नहीं आ रही है तो मेरे को डरा रही। चलो कोई नहीं, तो मैं अपना चाय बनाने जा रही हूँ गाइस। कबीर गए काम माल लाने के लिए, अब देखते हैं कितना लेट में आते हैं। चाय बनाने और चावल चढ़ाने, इसका तो नाटक चलते ही रहेगा यार, देखो इसको तोस दी हूँ, अब इसको चर्बी होगी नहीं खाएगी, मैं इसके लिए रोज रोज मटन लेके आई हूँ। चलो इसको लेकर चलती हूँ किचन। ये देखो, देखा आपने, देखो 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 ये अंदर घुसी है, और यहाँ रखो एक पीस छोड़ दी खाना, इसके इसमें रहूँगी तो मेरा काम नहीं होगा भाई। तो यहाँ देखिए मैं चाय या तो खा ले रही हूँ क्योंकि नींद बहुत जोर आ रहा है, क्या बताएं, थक गई। ये बिल्ला ने मेरे को रात मेरे को दौड़ाता है ना, क्या बताएं। तो कभी तभी नहीं आए हैं, बोल रहे हैं कि कुछ ले आए, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं भैया, कुछ मत लाना, घर पे ही है, अभी तो हम आपके सामने ही तोस खा रही, ये देखो तोस। और ये रही मेरी चाय, तो मैंने सोचा चलो चाय तोस ही खा लेते हैं, फिर कबीर का आने में लेट है। और वो हाँ, मैं बिल्ला रानी को, बिल्ला राजा, रानी ने राजा है वो, तो बिल्ला राजा को मैं वहाँ पे दूध दे दी हूँ, रात में मैं उसको ना ज़्यादा खाना नहीं देती हूँ, दूध ही दे देती हूँ, नहीं तो वह उल्टी भी कर देता है। एक दो बार ज़्यादा मैंने दे दिया खाना, मुझे पता ही नहीं था, मालूम ही नहीं था, तो मैंने एक्स्ट्रा दे दिया उसे, और दिन भर उसको खाने का आदत है। हम लोग कैसे मॉर्निंग लंच ब्रेकफास्ट करते हैं डिनर लेते, नहीं उसको ना दो दो घंटे के अंदर में खाना है। म्याओं म्याओं देखो अभी भी आप आवाज़ सुनते हो, अभी कर रही है म्याओं म्याओं। दूध पी ली क्या, दूध पी लिया, जाओ पहले दूध पी लो, उसको भी मैं दे रही हूँ ताकि मैं चैन सुकून से खा सकूं, लेकिन नहीं, वो अपना खाना छोड़ के यहाँ आएगी मेरे पास, मैं लग रहा है हम रोज मुर्गा का रान तोड़ रही हूँ, मेरे पास चली आती है, जबकि मैं नहीं खाती हूँ चिकन मटन उतना, लेकिन उसको जरूर दे देती हूँ। चलो भाई देखो, जानवर हो या इंसान,
हमारी ताकत नहीं उसे खिलाने की, सब करीजिएगा, अल्लाह देने वाला है और अल्लाह की मर्जी से वो आता खाता, वो पालतू तो है ही नहीं। मैं क्या है ना, चिकन मटन हमेशा बनाती रहती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, जिसका भी बोन्स से स्किन निकलता है तो मैं रख देती हूँ, तो कोई भी जानवर आएगा खा लेगा, तो ले ये तो खाते खाते ये तो एकदम घर ही बना लिया, चलो कोई नहीं। उसकी किस्मत अल्लाह ने उसका रिज़्क यहाँ लिखा है तो यहाँ से ही, तो बस पहले मैं कुछ बचा कुछ रख देती, अब क्या है मैं उसके लिए ले आती हूँ, एक्स्ट्रा ला कर दे देती हूँ। खा खा कर शेर हो गया है, ये देखो दरवाजे पे जाना, तो दूध पी ना भाई, दूध पी, अब मुझे भी चैन से पीने खाने दो। तो कोई नहीं गाइस, वीडियो लंबा हो जाएगा तो बस यही कहना है, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखना, दुआ में हमें याद रखना, बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह इज्जत नवाजे, दौलत दे या ना दे, इज्जत ज़रूर दे परवरदिगार। अल्लाह का शुक्र है लाख लाख कि सुकून की ज़िंदगी है। तो चलिए कोई नहीं, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।